मैना कैसेट कंपनी 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करती है, इनको बार बार धन्यवाद। और भाइयों के बीच में ये गाने का मौका मासेजियों के साथ में मिला है, लेकिन भाइयों से एक बात हाथ जोड़ कर कहूँगा कि इस राउंड को मुकाबला मत समझें, क्योंकि मासे जी हरियाणवी संस्कृति के सरताज हैं, उच्च कोटि के कलाकार हैं, हमारे गुरु समान हैं। हम तक कोशिश करेंगे कि इन तक कुछ सीखें, क्यों कि लक्ष्मी चंद आत्मा मोशा करें, ज्ञान गुणिया पर तक होशा करें, ना तेनु बोशा करें सवान घर घर अलख जगावण ते, जिन्हें ना योग क्रिया का ज्ञान न फाके कान पड़ावण ते। आपका सहयोग रहा भी काम लेंगे पूरा पूरा। बात की समय की रहेगी कि जिस वक्त वो नूड़ा दे मानी कोना और नुक्के लगी पूर्णमल कहते मेरी बात न मान जा, ना तो तेरे सर न तरवा दूंगी। इतनी बात सुनी नुक्के लगे रही माँ, माँ में और मौसी में कोई फर्क कोना, अरे तू कुछ तो ख्याल कर, तेरे और मेरे नाते का ख्याल कर, ईसा जुलम क्यों कर रही है। हाथ जोड़ के अपनी माँ के सामने किस तरह से क्या कहता है, प्योर ब्राह्मण का रंग और ब्राह्मण की बात किस तरह से क्या बताए भला।
मैना कैसेट कंपनी 100 रुपए पार्टी है, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। तो ये जैसे ये मनोरंजन का माहौल चला हुआ है, हम बड़े आभारी होंगे हमारी मैनेजमेंट कमेटी और आप सभी दर्शक जो कितना बढ़िया शांति का माहौल बनाए हुए हैं, बड़ा अच्छा मनोरंजन आपके सामने चला हुआ है। जैसे एक दो बात का नंबर आया आपके सामने, मैं प्रार्थना करूंगा भाइयों से कि जरा गौर करना, ओ सौदा नहीं जजन सा थोड़ी अनपहलम चल रहा था, बुढ़ा गाल में के साइकिल पर चढ़े जाता भेजा कईया ने टोकिया पड़ले। अरे बस यार बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद पड़ले तड़े बिना घर जाऊंगा उड़े उतरना दिल दूरे अब पड़ले उम्र ना से तेरी दीखता ना बढ़ता ना बिना क्या गा उड़े उतरूंगा जोड़ बोला रहा था वो दबे जा आगे तो बीरबानी जंगल पानी आओ सूडी ठोक दी लागते टकरा भी पड़ गया बुढ़िया ही पड़ गई बुढ़िया खड़ी हुई कह ला कि बुढ़ अंगड़े शर्म नहीं आई क्यों टैली भी तो मार देता बुढ़ा बोले बोले टैली भी तो मार देता बोले रांड सारी साइकिल मार रखी तू टैली ले आंदे तो भाई चोट तो थारे न मारे रखी मारे वाली दी के मसर करना पर कोशिश करेंगे कोशिश करेंगे। बात यहीं से है कि जिस वक्त राजा सुलेमान लड़के पुणमल के कत्ल के हुक्म दे दिए, आम दरबार लगा हुआ, सुलेमान राजा रूपे शाह दीवान रानी लूणा दे नगरवासी सब दरबार के अंदर हाजिर थे, लड़के पुणमल को भी हाजिर किया गया। लड़के पुणमल का रूप देख चेहरा देख राजा सुलेमान लड़के की गर्दन उतारने के लिए तेगा निकालते लेकिन रुपये से दीवान पीछे से तेगे को थाम लिया। ये महाराज ऐसा मत करिए, लड़के का कोई दोष नहीं है। क्यों? लड़के पुणमल से पूछने लगे भाई आखिर बात क्या हुई? कल अगर मेरा तो दोष नहीं, कल अगर जब दोष रोना देगा भी कौन है और दोष तेरा तो फिर रोना क्यों करो यार। वो लड़का पुणमल दरबार के अंदर अपने पिता से प्रार्थना करता है, क्या बताने लगे भला रोने ने था मुझे बड़ा घबरू बड़ा रोने था मुझे नीत धरी थी तू जाने
رانی برمانی لکشمی جے نسویا کی گنتی مدنا وت دمیانتی ہر کے چکر صدا تے سنتی کوسل دسرت کی رانی ست رام چندر سے جانی کسی نہ چاکے بچن میں لگے جب پتی ورتا پڑتی
पूछता शर्मा ले नु बोली ओ पूर्ण शर्मा उ त क्यों करे तेरे पिता की वृद्ध अवस्था है और मेरी जवान अवस्था है मारी जोड़ी को ना क्यों कर शर्माऊं नु बोलारी मौसी तू ईब की जोड़ी न रोवे है तेरे इन कर्मों को देखते हुए मैं कहता हूं कैसे कर्म करेगी तो तेरी जोड़ी आगे भी कोना मिले किस तरह से क्या कहता है I'm gonna get it.